हाय गाइस, सो हम लोग जो है आज कैलगरी जा रहे हैं। मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे और फैमिली के साथ। इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली ट्रिप। पहली बार जो है, या यूँ समझने कि कोई 8-9 साल में जो है ना, पहली बार हम लोग दोबारा जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में ट्रिप की थी, अब यहाँ पे ट्रिप पर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कैनेडा में। तो कैलगरी में पहले ख़ुद भी नहीं गया हुआ। बैफ जाना है, कैलगरी जाना है, ठीक है। उसके बाद से हमने जैसपर का प्लान बनाया हुआ है, दैन फिर एडमिंटन से होते हुए वापस सैस्कटून आ जाएंगे। तो अब वो पूरा क्या टूर है, एयरबीएनबी जो है वो किस तरह हमने लिया हुआ है, होटल किस तरह लिया हुआ है, क्या कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन से स्टॉप्स लेने चाहिए, जो भी डिटेल्स मैं बता सकूंगा इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो कीप वॉचिंग। अच्छा जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं रोज़ टाउन। ये टिम हॉर्टन्स पर रोज़ टाउन के रुके थे। रोज़ टाउन बेसिकली कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर है फ्रॉम सैस्काटून। तो ऑन द वे एक स्टॉप हो सकता है अच्छा, जहाँ पे आप रुकें। ये स्मॉल सा टाउन है और शहर भी कह सकते हैं, छोटा सा बिल्कुल शहर है। यहाँ पे फोर्ड का तो शोरूम है यहाँ पर। बाकी फिर ये रहा टिम हॉर्टन्स जहाँ पे हम रुके। में पीछे की तरफ, उस तरफ हमें सबवे भी नज़र आया था। अब हमने जो जाना है बेसिकली उस साइड पर स्ट्रेट जाना है जो कि कैलगरी है। तो बस अब यहाँ से रुकेंगे। थोड़ा सा स्टॉप किया था, थोड़ा थक गया था गाड़ी चलाते चलाते। तो बस फिर अब यहाँ से जो है ना, हम लोग कैलगरी के लिए बेसिकली अभी तो ड्रम हेलर जाएंगे, वहाँ पे स्टॉप होगा। बीच में देखेंगे अगर कोई और शहर आया तो वहाँ पर भी रुकेंगे, एंड देन फिर वहाँ से फिर आगे फर्दर जाना शुरू हो जाएंगे। ये स्टॉप आया है, ये हम लोग हैं कोऑप पे। मैं रुका था, बेसिकली गैस स्टेशन है कोऑप, एक बड़ी कंपनी है। यहाँ पर मैं रुका था फ्यूल भरवाने के लिए। हाफ वे हुआ है अभी, ड्रम हेलर की तरफ जा रहे हैं और फिर कैलगरी, और ये है किन्सर्डले। और एक बड़ा सा शहर लग रहा है ये। यहाँ पर अगर आपने स्टॉप करना हो तो यहाँ पर सामने आई थिंक यू कैन सी मैकडोनल्ड्स, वो कोऑप के पीछे। ये कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मैं दूसरी साइड पर हूँ। और ये यहाँ पे रेड स्वान पिज़्ज़ा जो है ये भी काफ़ी मशहूर है यहाँ पर। वॉलमार्ट का पुराना सा बोर्ड मुझे नज़र आ रहा है, मुझे समझ भी नहीं आया है। मैं समझ रहा नकली वॉलमार्ट है, नकली तो खैर नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा सा शहर, छोटा सा अच्छा सा शहर लग रहा है। प्रॉब्ली जो पीछे जो रोज टाउन था उससे तो बड़ा ही है, थोड़ा इस्टेब्लिश भी लग रहा है। दूर सबवे भी मुझे नज़र आ रहा है। और ये अगर किसी ने होटल वगैरह में रुकना है तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कैलगरी की तरफ तो एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि एक तो रोज टाउन में भी मुझे एक छोटा सा लॉज नज़र आया था और यहाँ पर भी एक ये इन नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब होटल वगैरह या रुकने की जगह मिल सकती है आपको, अगर आप उस तरह प्लान करते हैं कि कभी रात हो गई जैसे आपने रुकना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर हम लोग डायरेक्टली फर्दर ट्रैवल करेंगे, फिर देखते हैं कि और बीच में अगर क्या शहर आता है या कोई स्टॉप आता है। बेसिकली हमारा इरादा ये है कि ड्रम हेलर पे रुकना है, और ड्रम हेलर बेसिकली वहाँ पर जो है डायनासोर का म्यूज़ियम है, तो वो ऑब्वियसली बच्चों के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, हमारे लिए भी होपफुली होगा। तो लेट्स सी, तो वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद से फिर फर्दर जो है ना कैलगरी की तरफ जाएंगे। ओके, चलो अब हम लोग ड्रम हेलर पहुँच गए हैं और अभी अभी हमें अंदर जाना है। और पहले जो वीडियो देखी है वो पूरा, ये पूरा एरिया ड्रम हेलर का। बहुत अरसे बाद पहाड़ देखे, सस्कैचुअन में तो पहाड़ ही नहीं है। तो बस नाउ विल गो इन। चले भाई, हम रॉयल टायरल म्यूजियम आ गए। Now we are going in. So, अब ये जो है ना अंदर का एरिया है रॉयल टायरल म्यूजियम का, यहाँ से टिकट आप लेते हैं और उसके बाद से सारे अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स भी हैं और स्टैचूज़ वगैरह भी बनाए हुए हैं, कुछ रियलिटी से करीब बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं। बच्चों के लिए अच्छा है पढ़ना भी अगर आप चाहते हैं, टू गेट नॉलेज अबाउट डायनासोर्स, और वो सारा अच्छा बड़ा सा एरिया ये जहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फिर और अंदर का जो एरिया है, इधर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी हैं, एंड देन ये जो फॉसिल्स की जो मैं बात कर रहा था ये फॉसिल्स हैं। फिर ये शॉप है, यहाँ पे डायनासोर्स रिलेटेड चीज़ें ये भी बाय कर सकते हैं आप। उसके बाद से ये जो एरिया है ये काइंड ऑफ पूरी सिटी का व्यू आता है। अगर आप इस स्ट्रीट से चढ़ें तो पूरी सिटी का व्यू आता है, तो लोग अक्सर ट्रैकिंग पे भी आगे चले जाते हैं, वॉक करते हुए आगे चले जाते हैं।
वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ उन्होंने बनाए हुए हैं कि जहाँ से आप ऑप्शंस होंगे वहाँ पर। मैं तो नहीं गया, इतना काफ़ी लंबा चलना पड़ता है इसके लिए, लेकिन आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पूरा पूरा दिन अगर हो, क्योंकि हम लोग तो कैलगरी से जा रहे थे, हम लोग थके हुए थे, तो हमने कोई ऐसी कोशिश नहीं की। बड़ी अच्छी सी सिटी पूरी डायनासोर रिलेटेड बनी हुई है। अब फिर हम लोग जो है ना, ये जो रास्ता ये कैलगरी की तरफ जा रहा है, तो देन ऑब्वियसली कोई शाम के 6-7 बज रहे थे, तो हमने फिर सोचा कि कैलगरी की तरफ निकल जाएं। तो 6-7 बजे भी इतनी रोशनी होती है कनाडा में। तो ऑन द वे टू कैलगरी, देन कैलगरी का कोई 1.5 आवर्स का रास्ता है ड्रमहैलर से। तो अगर आपने पूरा टाइम ड्रमहैलर में स्पेंड कर दिया, तो देन फिर आप कैलगरी की तरफ जाएंगे। तो इट्स अ नाइस रोड, साथ में पहाड़ होते हैं, फिर बड़ा बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छी सी ड्राइव है ये, रोड्स वगैरह भी सही बनी हुई हैं। और फिर हम लोग आराम से कैलगरी में एंटर हो गए। और ये जो व्यू जो है, ये व्यू जो है हमारे एयरबीएनबी से है। तो बेसिकली क्योंकि डाउनटाउन में था ये एयरबीएनबी, तो सामने से सीएन टावर भी नज़र आ रहा है, एंड देन बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही है। इट वॉज़ ए नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह पे बना हुआ था, कि अगर आपने डाउनटाउन को एक्सप्लोर करना हो तो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो कि हमने फिर किया भी था लेटर इन द डेज़। तो ये थी कैलगरी की एंट्री हमारी।